जहां बॉलीवुड अभिनेता फिल्मों में अपने एक्टिंग और दमदार एक्शन से लोगों का दिल जीत लेते हैं, तो वहीं अपने लहराते हुए शाइनी बालों से भी लोगों को अपना बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि फिल्मों में अपने घने बालों से लोगों का दिल जीतने वाले आपके वो मन पसंदीदा अभिनेता रियल लाइफ में गंजे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बॉलीवुड के कई मशहूर अभिनेता हैं जिनके जल्दी बाल झड़ने लगे। उन्हें छुपाने के लिए उन्होंने फिल्मों में विग पहनना शुरू किया और अपने गंजेपन को सबसे छुपाए रखा। पर जब वो काम नहीं आया तो उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा कर फिर से स्टाइलिश और घने बालों के मालिक बन गए। और आपको लगता है कि वो बाल जो उनके सिर पर हैं वो उनके असली बाल हैं, पर असलियत तो ये है कि वो गंजे हैं और बाल नकली हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के ऐसे ही कुछ अभिनेताओं से रूबरू करवाने वाले हैं जो रियल लाइफ में टकले हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो अभिनेता। नंबर वन, शाहरुख खान। ये काफी चौंकाने वाला नाम है क्योंकि शाहरुख खान के बाल सबको बहुत ज्यादा पसंद है और कोई कह नहीं सकता कि ये नकली बाल का इस्तेमाल करते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म वीर ज़ारा के दौरान इन्हें चोट लग गई थी, जिसके कारण इनके आगे से कुछ बाल निकल गए और ये दिखने में काफी अजीब लग रहे थे, जिसके बाद इन्होंने उस जगह पर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, जिसके बाद आज भी अपने नकली बालों के साथ लोगों के बीच सुर्खियों में बने रहते हैं। नंबर टू, अक्षय कुमार। बॉलीवुड के एक्शन हीरो खिलाड़ी अक्षय कुमार के सिर पर आज जो बाल हैं वो नकली हैं। वो असल में विग लगाते हैं, असल में तो ये गंजे हैं। इनकी गंजे लुक वाली कई तस्वीरें खूब वायरल हुई थी, जिसमें आपकी ये चहेते अभिनेता बहुत ही गंदे दिख रहे थे। आप भी इनकी इन तस्वीरों को देख सकते हैं। आपको बता दें कि फिल्म गोल्ड में इन्होंने नकली बाल का इस्तेमाल किया है। वहीं अब खबरें हैं कि ये वापस अपने घने बालों को पाने के लिए अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले हैं। नंबर थ्री, सलमान खान। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के शुरुआती फिल्मी करियर तो काफी अच्छे थे, लेकिन उसी समय इनके बाल भी बुरी तरह से झड़ने लगे। साल 2002 में तेरे नाम फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान इनका टकला लुक सबने देखा, जिसमें ये काफी बेकार लग रहे थे, इसलिए इन्होंने अमेरिका में जाकर हेयर वेविंग करवाई थी। और आज जो बाल आप सलमान के सिर पर देखते हैं वो हेयर वेविंग का कमाल है। ये इनके असली बाल नहीं है, असल में तो ये गंजे हैं। नंबर फोर, अमिताभ बच्चन। वैसे तो अमिताभ बच्चन के पहले से ही काफी घने बाल थे, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब इनके सिर की खाल दिखने लगी और इनके फैंस इन्हें गंजा बुलाने लगे। फिल्म सूर्यवंशम के दौरान इनका गंजापन भी साफ दिखने लगा, जिसके बाद इन्होंने नकली बाल लगाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद साल 2000 में इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया और अपने नए बालों के साथ कौन बनेगा करोड़पति गेम शो से दर्शकों के सामने आए। नंबर फाइव, रजनीकांत। रजनीकांत सर अपनी फिल्मों में अपने शाइनी हेयर के लिए काफी फेमस हैं, पर आपको बता दें कि फिल्मों में नजर आने वाले इनका वो शाइनी हेयर एक विग है। जी हाँ, फिल्मों में तो ये विग लगाते हैं, असलियत में तो इनके सारे बाल झड़ गए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बिना बालों के रजनी सर काफी अजीब और बूढ़े दिखते हैं। नंबर सिक्स, अजय देवगन। अपनी डैशिंग हेयर स्टाइल से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले अभिनेता अजय देवगन असल जिंदगी में टकले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको भी ये बात जानकर हैरानी हुई ना, पर ये बात सच है, ये रियल लाइफ में गंजे हैं। इनका गंजा लुक आपने फिल्म गोलमाल 3 के दौरान देखा होगा। ये पूरी फिल्म में गंजे नजर आए थे, जिसमें ये बिना बालों के काफी अजीब दिख रहे थे। जब फिल्म में इनके इस लुक को पसंद नहीं किया गया तो इन्होंने कुछ दिनों बाद अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया और आज इनके सिर पर जो बाल हैं वो नकली हैं, जिनके जरिए आज ये हैंडसम दिखते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस अभिनेता को टकला देखकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।